की रक्षा करे, क्यों दिल को बाकी सारी चीजों से ज्यादा अच्छी दशा में रखे, क्योंकि वो जीवन का सोता है जिसमें से सब कुछ बाहर आता है। आपको खुशी चाहिए, शांति चाहिए, सफलता चाहिए, संपन्नता चाहिए, आपको ये बाकी सारी चीजें चाहिए। मैं आपको बताऊं, दिल तो वो सोता है जीवन का, यही से सब कुछ आता है, ये सच में उत्पन्न करेगा जो आपको चाहिए। Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Jesus, you. मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11, और चलिए हम पढ़ते हैं वचन 22 से 24 तक। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा जो उसने कहा है वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। पिछले कुछ हफ्तों से हम परमेश्वर जैसे विश्वास इस विषय पर सिखा रहे हैं। यीशु ने इसके बारे में कहा, यहां वचन 22 में जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है,
जहां वो चेलों को उत्तर देते हुए कहता है, जो ये देखकर चकित हो गए थे कि पेड़ को जिसे उसने श्राप दिया था 24 घंटे बाद वो अब जड़ से सूख गया था। पत्रस ने यीशु से कहा, रब्बी, जिस पेड़ को तूने श्राप दिया था वो सूख गया है। यीशु ने उसे उत्तर देते हुए कहा, परमेश्वर में विश्वास रखो। मेरी बाइबल में, पता नहीं आपके बाइबल में है क्या, मेरी बाइबल में मार्जिनल रेंडरिंग है जो हमें इसके बारे में दूसरा अनुवाद बताती है। ये कहती है कि परमेश्वर का विश्वास रखो, या कुछ लोगों ने इस तरह से कहा, परमेश्वर जैसे विश्वास रखो। वो तो सच में यही कहना चाहता है। यीशु ने ये कहने की कोशिश की और वो इस निष्कर्ष पर आए कि ये अनुवाद असली अनुवाद से ज्यादा सटीक होगा, तो इसे मार्जिन में रखा कि परमेश्वर जैसे विश्वास रखो। तो यीशु सच में कह रहा था, पत्रस, जो विश्वास तुम्हारे पास है वो तो सामान्य रूप में संसार में होता है, इसे संसार विश्वास कहता है, यानी देखकर विश्वास करते हैं। उसने अंजीर के पेड़ को जड़ से सूखा देखा, फिर उसने कहा, जिस पेड़ को तूने श्राप दिया था वो सूख गया है। विश्वास तो सच में आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यदि हम देखते हैं तो हमें विश्वास करने की जरूरत नहीं है। देखना और विश्वास करने का कोई अर्थ नहीं है। बाइबल के अनुसार बाइबल का विश्वास इस बारे में है, बिना देखे हुए विश्वास करना। यीशु ने जब अंजीर के पेड़ से कहा तो विश्वास किया कि जो वो कहता है वो हो जाएगा। ये परमेश्वर के जैसे विश्वास है। यानी यीशु पत्रस से कह रहा था, पत्रस, तेरे पास जो है वो विश्वास नहीं है, परमेश्वर के जैसे विश्वास रख, जिस तरह का विश्वास मेरे पास है, क्योंकि मैंने उस पेड़ से कहा और जब मैंने कहा तो विश्वास किया कि ऐसे ही होगा, मैंने जो कहा है वही मुझे मिलेगा। लेकिन पत्रस ऐसे नहीं था, तो उसने कहा, परमेश्वर के जैसे विश्वास रखना, फिर कहा, जो कोई इस पहाड़ से कहेगा कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे लेकिन विश्वास करे कि वो जो कुछ कहता है वो पूरा होगा और वो जो भी कहता है उसे मिल जाएगा। सब लोग कहे, मन में संदेह न करे लेकिन विश्वास करे। अब हम परमेश्वर जैसे विश्वास को देख रहे हैं, और मैंने आपको पहले ही तीन सिद्धांत बताए हैं परमेश्वर के जैसे विश्वास के बारे में। अब चौथा देख रहे हैं, पिछले हफ्ते हमने इसे शुरू किया था, और चौथा तो ये है कि परमेश्वर जैसे विश्वास ऐसा विश्वास है जो दिल से विश्वास करता है। दिल से विश्वास करना बड़ा फर्क है जिसे संसार विश्वास कहता है और जिसे हम विश्वास कहते हैं। हम जिसे विश्वास कहते हैं उसका संबंध दिल से है, दिमाग से नहीं। ये दिमागी बात नहीं, दिमागी विचार जिसे आप दिमाग में स्वीकार करते हैं उसे दिमागी सहमति कहते हैं। विश्वास दिमागी सहमति नहीं है। बाइबल का विश्वास दिल से भरोसा करना है। दिल विश्वास करता है। मेरे साथ निकाले रोमियो अध्याय 10। क्योंकि जब आप दिल से विश्वास करते हैं तो आप वो परिणाम देखेंगे जिसके बारे में यीशु ने कहा है कि पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो वो हो जाएगा। जब आप दिल में विश्वास करते हैं, दिल का विश्वास अद्भुत और महान परिणाम उत्पन्न करता है। इसलिए हम दिल के विश्वास के बारे में सीखने में दिलचस्पी लेते हैं। सब लोग कहे, दिल का विश्वास, मन का विश्वास नहीं, दिल का विश्वास। चलिए मैं पढ़ता हूं रोमियो अध्याय 10 वचन 9 और 10। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यह एक बार फिर उसने दिल से विश्वास के बारे में बताया है। अपने मुंह से अंगीकार करे और दिल से विश्वास करे। आपने उद्धार कैसे पाया? आपने मुंह से यीशु को प्रभु अंगीकार किया और दिल से विश्वास किया। सब लोग कहें, अपने दिल से विश्वास किया। अब अगले वचन को देखिए, क्योंकि दिल से मनुष्य धार्मिकता के लिए विश्वास करता है। फिर से, दिल का विश्वास है, मनुष्य दिल से विश्वास करता है। बाइबल बार बार इस पर जोर देती है, दिल से मनुष्य विश्वास करता है। तो हम देख रहे हैं कि विश्वास करना क्या है, दिल से विश्वास करने का मतलब क्या है, दिल से विश्वास करने का अर्थ क्या है। मैंने पिछले हफ्ते इसे बताना शुरू किया, दिल से विश्वास करना यानी अपनी आत्मा से विश्वास करना, भीतरी मनुष्यत्व से। क्योंकि बाइबल जब भी दिल के बारे में कहती है, अक्सर वो मनुष्य की आत्मा के बारे में कहती है। मनुष्य आत्मा, प्राण और शरीर है, वो शरीर नहीं है। शरीर को आप बाहर से देखते हैं, लेकिन मनुष्य सच में क्या है? वो आत्मा है। वो आत्मा है जैसे परमेश्वर आत्मा है, उसके पास प्राण है और वो शरीर में रहता है। अब चलिए एक साथ इसे कहते हैं, क्योंकि मैं सोचता हूं ये बहुत ही बुनियादी बात है और केवल इसे समझने पर आप पूरी बाइबल समझ सकते हैं। सब लोग कहे, मनुष्य आत्मा है, उसके पास प्राण है और वो शरीर में रहता है।
बाइबल आत्मा प्राण और शरीर के बारे में कहती है, लेकिन हमने इसे कहा शरीर प्राण और आत्मा। अब मैं अच्छे से समझ सकता हूं कि हमने क्यों इस तरह से कहा, क्योंकि शरीर को हम सबसे ज्यादा समझते हैं। ये सामने होता है, देख सकते, फोटो ले सकते, छूकर महसूस कर सकते, क्योंकि समझ के ज्ञान का मनुष्य, जो मनुष्य समझ के ज्ञान में काम करता है, इस तरह के ज्ञान की सराहना करता, यदि वो देखे, महसूस करे, छूले, तो इसे अच्छे से जानता है। हमने शरीर से शुरू किया। उस चर्च में मुझे याद है जब हम छोटे थे, हमेशा कहते थे शरीर प्राण आत्मा, जबकि बाइबल शरीर प्राण आत्मा नहीं सिखाती, ये कहती है आत्मा प्राण शरीर, सही क्रम में। हम शरीर प्राण आत्मा कहते हैं क्योंकि शरीर को सबसे ज्यादा समझते हैं, फिर हम अगले को समझते हैं प्राण को, और फिर आत्मा को कभी नहीं समझते। लेकिन कुछ भी हो, बाइबल में है तो हम इसे अंत में रखते हैं। यानी हमारे लिए शरीर प्राण और आत्मा था। आत्मा समझने में सबसे मुश्किल होता है क्योंकि हम इसे नहीं देख सकते, लेकिन मनुष्य आत्मा है, आप और मैं आत्मा हैं, हम शरीर में रहते हैं, आप यहां पर बैठे हैं आत्मा के रूप में, आत्मिक व्यक्ति जैसे, मैं यहां खड़ा हूं आत्मिक व्यक्ति, एक आत्मिक व्यक्ति दूसरी आत्मा से कह रहा है, यहां आत्मिक संबंध है, आत्मिक संपर्क है जो अभी चल रहा है। आप अपनी दो खिड़कियों से देख रहे हैं, अपनी आंखों से मेरी ओर, मैंने आपको कभी नहीं देखा, आप तो भीतर में हैं, आपने मुझे कभी नहीं देखा, मैं भीतर में हूं, लेकिन हम एक दूसरे के शरीर को देखते हैं, इन आंखों से, इन खिड़कियों से देखते हैं एक दूसरे की ओर। बाइबल इसी के बारे में सिखाती है, लेकिन बाइबल मनुष्य की आत्मा के बारे में कहती है, जो मनुष्य का सबसे भीतरी भाग है, वो दिल है। मैंने इसे पिछले हफ्ते बताया था, चलिए मैं कुछ वचन पढ़ता हूं जो इसे और भी स्पष्ट करते हैं। मेरे साथ निकाले पहला पत्रस अध्याय 3, पहला पत्रस अध्याय 3 वचन 4, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। ये कह रहा है बाहरी रूप, बाहरी मनुष्यत्व को देखते जाना, शरीर को, और भीतरी मनुष्यत्व को देखना। अब हमारे बाहर को हम ज्यादा देखते हैं, और कुछ विश्वासी सच में इसके विरुद्ध में आते हैं और वो प्रचार करते हैं कि बाहरी मनुष्यत्व की ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बालों को संवारना, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको मेकअप करने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसी बहुत सी शिक्षा चल रही है। मैं इतना ज्यादा दूर नहीं जाता, क्योंकि जानता हूं कि कोई भी पुरानी बिल्डिंग भी अच्छी दिखती है यदि आप उसे पेंट करते हैं तो, और उसे अच्छा दिखने दे तो अच्छा है। तो मैं अच्छा दिखने में विश्वास करता हूं, इसमें मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं धार्मिक प्रचारक नहीं हूं, जानते हैं, लेकिन बाइबल हमें ये बताती है कि बाहरी मनुष्यत्व भीतरी मनुष्यत्व की जितना महत्वपूर्ण नहीं है। बाइबल में भीतरी मनुष्यत्व पर जोर दिया गया है। बाइबल कहती है ठीक है तुम बाहरी चीजों को सही कर लो, लेकिन भीतरी मनुष्यत्व सही नहीं है, वो तंदुरुस्त नहीं है, खुश नहीं है, तो वो घर जो सही करने में क्या लाभ है, उस घर से बढ़कर घर के भीतर रहने वाला मनुष्य महत्वपूर्ण है। यानी वचन 4 भीतरी मनुष्यत्व को सुंदर बनाने के बारे में कहता है। हम भीतरी मनुष्यत्व को सुंदर कैसे बनाते, ये कहता है तुम भीतरी मनुष्यत्व को सुंदर बनाओ इस गहने से, नम्रता और शांति से। अब नम्र और शांत आत्मा ये तो भीतर में होती है, नम्र और शांत आत्मा तो भीतरी स्वभाव है, भीतरी मनुष्यत्व है, वो आत्मा में नम्र और शांत है। लेकिन देखिए ये कैसे कहता है, वो कहता है कि तुम्हारी सजावट तो गुप्त मनुष्यत्व को, भीतरी मनुष्यत्व की सजावट हो, इस तरह से शुरू करता है, ये दिल का छिपा मनुष्यत्व हो जो कि नम्रता और दिल की दीनता है। इसका मतलब यहां दिल बताया गया और आत्मा भी बताई गई इस तरह से कि दिल ही आत्मा है और आत्मा ही दिल है, इसलिए मैंने इसे पढ़ा। यह भीतरी मनुष्यत्व को संवारना हो या दिल के छिपे मनुष्यत्व का संवारना हो जो नम्रता और दिल की दीनता से संवारा जाए। यानी दिल आत्मा के बारे में कहता है और आत्मा दिल के बारे में कहती है। देखिए बाइबल कई बार आत्मा के बारे में कहती है इस तरह से जैसे कि वो दिल है। अब चलिए रोमियो अध्याय 7 में चले और चलिए वचन 22 पढ़ते हैं। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं। देखिए भीतरी मनुष्यत्व के बारे में कहता है पौलुस, स्पष्ट
बाहरी मनुष्यत्व और भीतरी मनुष्यत्व का फर्क बताता है। भीतरी मनुष्यत्व आत्मा है और बाइबल इसी के बारे में कहती है दिल के रूप में। अब दिल की दशा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि निश्चित संबंध है दिल की दशा में। मैं आत्मा की दशा के बारे में कह रहा हूं, मैं मनुष्य के उस अंग के बारे में नहीं कह रहा जो रक्त संचार करता है। नहीं, हम दिल के बारे में कह रहे हैं, मनुष्य की आत्मा। इस दिल के बारे में निश्चित संबंध है मनुष्य की आत्मा में और मनुष्य के शरीर में। इसमें निश्चित संबंध है मनुष्य की आत्मा में और मनुष्य के मन में। एक निश्चित संबंध है मनुष्य की आत्मा और उसकी दशा में, और मनुष्य की भावना और उसकी दशा में, मनुष्य की आत्मा और उसकी पूरी दशा में। चाहे धन की बात हो, परिवार का जीवन हो, उसके हाथों के काम हो, वो जिसमें भी जुड़ा है एक निश्चित संबंध है मनुष्य की आत्मा में और इन सब बाहर की चीजों में। जब मनुष्य की आत्मा अच्छी होती है तो ये बाकी सारी चीजें अच्छी होती है। चलिए हम देखते हैं नीति वचन अध्याय 4। बहुत ही परिचित वचन है, लेकिन परिचित वचन में सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि मैंने एक बात सीखी है बहुत समय पहले। मैं सोचता था कि किसी खास वचन के बारे में प्रचार करने के बाद में मैंने सारा रस उसमें से निकाल दिया है, अब कुछ बाकी नहीं रहा है। लेकिन फिर उसे एक और बार निचोड़ा तो बहुत कुछ निकलने लगा फिर से। बाइबल देखिए इसी तरह से है। बाइबल रस से भरी हुई है, मतलब ये चीजों से भरी है, ये पैक्ड है। आप सोचते हैं इसे खत्म कर दिया, लेकिन ये फिर से आते रहता है क्योंकि ये आत्मिक जीवन से भरा हुआ है, ये चीजों से भरा है। अब गौर से सुनिए, नीति वचन अध्याय 4 ऐसा ही है। देखिए वचन 20, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। ये कहना वचन के बारे में कहता है, और उन्हें यानी वचन तेरी आंखों से ओट न होने दे, और उन्हें यानी इस वचन को अपने दिल में रखना। यही ये है, सब लोग कहे से अपने दिल में रखना। देखिए वचन को अपने दिल में रखना, ये आत्मा के बारे में कह रहा है। आपको फिर से याद दिलाऊं, क्योंकि हमने देखा कि मनुष्य का दिल ही मनुष्य की आत्मा है। इसे अपने दिल में रखना, अपने शरीर में नहीं, अपने मन में नहीं, इसे अपने दिल में रखना, अपनी आत्मा में, इसे भीतरी मनुष्यत्व में रखना। और जब आप वचन आत्मा को भर देता है तो कुछ बाहर परिणाम होंगे। इसे देखिए वचन 22 में, क्योंकि वो तो यानी ये वचन जिनको प्राप्त होते हैं उनके लिए जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण है। दिल में जो वचन है उसका शरीर की परिपूर्णता से संबंध होता है। दिल में जो वचन है ये तो जो पाते हैं उनके लिए जीवन है और उनके शरीर के तंदुरुस्ती का ये कारण है, ये शरीर पर प्रभाव डालता है। अब वचन 23 देखिए, वचन 23 अगला वचन, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यही तो कुंजी है जो आज मैं बताना चाहता हूं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर क्योंकि उसी से जीवन का सोता बहता है। यहां पर सरल रूप में बताया है सच में क्या हो रहा है, वो सही तरह से नहीं जा रहा है। चलिए मैं इसे एम्पलीफाइड वर्जन से पढ़ूं। एम्पलीफाइड वर्जन इस तरह से कहती है, अपने दिल की रक्षा करना पूरी सचेतता से, जिसकी भी रक्षा करते उससे बढ़कर, क्योंकि इससे जीवन का सोता बहता है। मुझे पसंद है, एक बार फिर से, अपने दिल की रक्षा करना पूरी सचेतता से, जो भी करते उससे बढ़कर, क्योंकि इसी से जीवन का सोता बहता है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है जिसकी भी तुम रक्षा करते हो इतने प्यार से, अपनी दूसरी चीजों के बारे में तुम जो रक्षा का काम करते हो, उन सब से बढ़कर तुम अपने दिल की रक्षा करो। अपनी संपत्ति से बढ़कर, करियर से बढ़कर, अपने व्यवसाय से बढ़कर, अपने व्यापार से बढ़कर, अपने धन से बढ़कर, अपनी चीजों से बढ़कर, परिवार से बढ़कर, सारी चीजों से बढ़कर, आपके पास जो भी है उस सबसे बढ़कर, अपनी दूसरी इन सारी चीजों की जो रक्षा करते ठीक है, लेकिन उन सारी रक्षा से बढ़कर अपने दिल की रक्षा करे। यही तो ये कह रहा है। क्यों? पैसों से ज्यादा दिल की रक्षा क्यों करे? व्यापार की रक्षा से ज्यादा दिल की रक्षा क्यों करे? क्यों रक्षा करे? दिल को बचाएं, बचाना यानी अच्छी दशा में रखना, यही अर्थ है। क्यों दिल की परवाह करते जाएं?
पैसों की परवाह से ज्यादा, व्यवसाय की परवाह से ज्यादा, व्यापार की परवाह से ज्यादा, परिवार की परवाह से ज्यादा, बाकी सबसे ज्यादा इसकी परवाह क्यों करें? दिल को अच्छी दशा में क्यों रखते जाएं? दिल को सबसे अच्छी दशा में क्यों रखें बाकी सबसे बढ़कर? क्योंकि दिल ही धन उत्पन्न करता है, दिल ही आपके पास संपत्ति को उत्पन्न करता, दिल ही वो धन संपत्ति उत्पन्न करता है जो आपके पास है, दिल ही वो व्यवसाय उत्पन्न करता है जो आपके पास है, दिल ही आपके पास सारी खुशी उत्पन्न करता है, दिल ही इस तरह का परिवार उत्पन्न करता है जो आपके पास है। हेलो, बहुत से लोग इसे नहीं समझते। जब मैंने कहा दिल पैसा उत्पन्न करता है तो एक भाई ने पूछा, आप ये कैसे करते हैं भाई, आपको ये सब कहां से मिलता है? मैंने कहा मुझे यहां से मिलता है। वो अजीब तरह से देखने लगे, अवश्य ही मेरा मजाक कर रहे हैं, ये सच में मुझे सत्य नहीं बता रहे हैं। मैंने कहा सच में मैं यहीं से पाता हूं। आप यहां से कैसे पा सकते हैं? क्योंकि दिल इसी तरह से बना है, यह कुछ भी उत्पन्न कर सकता है, यह आपके लिए हर तरह की परेशानी ला सकता है, यह आपके लिए हर तरह की भलाई ला सकता है। यदि आप अपने दिल को सही कर ले तो सब कुछ सही कर पाएंगे। देखिए, यही बाइबल की शिक्षा है दिल के बारे में। अपने दिल की रक्षा करें बाकी सारी चीजों से ज्यादा। हाँ, कुछ लोग कहते हैं मैं अपने व्यापार में बहुत व्यस्त हूं, मैं चर्च भी नहीं आ सकता। ये बहुत बुरा है, क्योंकि आप कुछ ऐसा सुनेंगे जो कभी नहीं सुना हो शायद और किसी तरह से, क्योंकि केवल बाइबल ये सिखाती है और ये सुनने के लिए चर्च में आना होगा, और आपको चूक जाएंगे यदि आप वहां पर नहीं आते हैं तो। क्यों दिल की रक्षा करें? क्यों दिल को बाकी सारी चीजों से ज्यादा अच्छी दशा में रखें? क्योंकि वो जीवन का सोता है जिसमें से सब कुछ बाहर आता है। आपको खुशी चाहिए, शांति चाहिए, सफलता चाहिए, संपन्नता चाहिए, आपको ये बाकी सारी चीजें चाहिए। मैं आपको बताऊं, दिल तो वो सोता है जीवन का, यही से सब कुछ आता है, ये सच में उत्पन्न करेगा जो आपको चाहिए। प्रभु ने इसे ऐसे बनाया है। याद है यीशु ने दिल को भूमि के रूप में कहा या जमीन कहा? उसने कहा कि चार तरह की भूमि है, उसके बारे में उसने बताया दृष्टांत में। बोने वाले के दृष्टांत में वो कहता है, अच्छी भूमि वो है जो 30 गुना 60 गुना और 100 गुना लाती है। और बोने वाला बीज बोने निकला, उसने क्या बोया? उसने वचन बोया। वचन बोया गया, कहां बोया गया? दिल में, जो भूमि है। अब क्या आपने कभी किसी भूमि को देखा जो बोने वाले की ओर देखती है? शायद वो टमाटर बो रहा है। क्या आपने कभी किसी भूमि को मनुष्य से कहते देखा, नहीं नहीं मुझे टमाटर पसंद नहीं, मुझे टमाटर नहीं देना, मुझे टमाटर नहीं चाहिए, मुझे केवल प्याज चाहिए? भूमि केवल उससे लेती है जो आप लगाती हैं और उसके अनुसार उत्पन्न करती। भूमि चुनाव नहीं करती है, आप चुनाव करते कि वहां क्या बोएंगे। यानी आप वहां जो भी बोना चाहते हैं आप वहां बो सकते हैं, भूमि उत्पन्न करेगी, वो राह देखती है। आप जो भी बोते हैं वो उत्पन्न करने के लिए तैयार है, बहुगुणन के लिए तैयार है। बोया जाए और वो बहुगुणित हो आपके लिए फसल के रूप में, वो राह देखती है कि बोया जाए वहां पर कि वो उत्पन्न कर सके। चुनाव तो आपने करना है, आपको क्या बोना है आपको चुनना है, ठीक है? तो पूरी ईमानदारी से अपने दिल की रक्षा करें, क्योंकि वहीं से सब कुछ आता है, वहीं से आपकी भलाई आती है, आपके आत्मा प्राण और शरीर में, परिवार धन और हाथों के कामों में, चाहे जो भी हो, आपकी भलाई उस दिल से आती है, दिल से ही, आपके दिल से, जो परमेश्वर ने आपको दिया है। मनुष्य का आत्मा दिल है जिसके बारे में कह रहा हूं। God is fighting for us. God is on our side.